स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट साइंस चैप्टर थ्री मेजरमेंट लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर मेजरमेंट ऑफ लेंथ लेंथ इज हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट इज है हमें यह बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितनी लंबी है जो सब एग्जाम्पल्स ही होते हैं length के how long things are? इज़ कॉल्ड देयर लेंथ हाउ वाइड थिंग्स आर इज कॉल्ड देयर विर्थ हाओ टॉल थिंग्स आर इज कॉल्ड देयर हाइट हाउ फार अपार टू थिंग्स आर इन द डिस्टेंस बिटवीन देम कोई चीज़ कितनी बड़ी है ये हमें उसकी लेंथ बताती है कोई चीज़ कितनी चौड़ी है ये हमें उसकी विड्थ बताती है कोई चीज़ कितनी बड़ी है ये हमें उसकी हाइट बताती है और दोनों चीज़ों के बीच में कितना डिफरेंस है ये हमें उसका डिस्टेंस बताता है वी यूज रूलरस मीटर रोड्स एंड मेजरिंग टेप्स फॉर मेजरिंग देंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट साइजेस अब अब अगर हमें किसी चीज़ को मेजर करना है तो उसके कुछ चीज़ें भी होंगी जैसे हम किसी को स्केल से मेजर करते हैं किसी को मीटर रोड से मेजर करते, है, करते हैं किसी को मेजरिंग टेप से मेजर करते हैं टू मेजर स्मॉल लेंथ सच इज द लेंथ ऑफ ए पेंसिल अकाउंट एंड अ बुक वी यूज सिंपल रूलर्स अगर अब हमें किसी पेंसिल की या किसी अंगे की या किसी बुक की लेंथ पता करनी तो हम सिर्फ रूलर से ही पता कर सकते हैं टू मेजर बिगर लेंथ सच एज लेंथ ऑफ ए लार्ज रूम और क्लॉथ वी यूज अ मेजरिंग टेप और मीटर रॉड्स अब अगर हमें किसी बड़ी चीज़ की लेंथ पता करनी है तो हम मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं लेंथ इज मेजर्ड इन यूनिट सच एज मिलीमीटर सेंटीमीटर एंड मीटर्स लॉन्ग डिस्टेंस और लेंथ आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स अब हम किसी चीज़ की लेंथ मेजर करनी है तो उसमें कुछ यूनिट्स होती हैं जैसे मिलीमीटर सेंटीमीटर मीटर और जो लॉन्ग डिस्टेंस या होती हैं लेंथ होती है उनको हम किलोमीटर्स में, में मेजर करते हैं ऑलवेज रिमेंबर टू कीप योर आइज राइट अबव द स्केल वाइल मेजरिंग जब भी आप किसी चीज़ को मेजर कर रहे हो तो अपनी स्केल में हमेशा ऊपर की साइड देखो मेजरमेंट ऑफ मास हैव यू सीन अ वेजिटेबल वेंडर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ द वेजिटेबल्स इन द मार्केट वॉट इज द अमाउंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड क्या आपने कभी देखा है कि सब्ज़ी मंडी में आप गए हो और आपकी सब्जियां को ही तोलें तो उसको आपने देखा है कि उसमें कितना वेट है द टोटल अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट किसी भी चीज में कितना उसमें मैटर प्रेजेंट करता है ये उसका मास होता है या उसमें किसी, कितना वेट है ये उसका मास होता है द ऑब्जेक्ट दैट हैज मोर मास इज हैवियर वी गेट एन आइडिया अबाउट हाउ हैवी और लाइट एन ऑब्जेक्ट इज मेजरिंग इट्स मास मास इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ ए बैलेंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंसेज आर यूज टू मेजर द मास ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अगर कोई चीज़ भारी है तो हम उसका पता सक पता कर सकते हैं कि उसमें कितना मास है वो हल्की है तो हम पता सक, कर सकते हैं कि वो कितनी हल्की है अगर हमें किसी चीज़ का मास मेजर करना है तो हमें किसी बैलेंस की ज़रूरत होती है अब हम हर चीज़ के मास में अब अगर हम अलग अलग मास को मेजर करेंगे तो हमें अलग अलग मास की बैलेंस की ज़रूरत भी पड़ेगी फिज... देर आर थ्री टाइप्स ऑफ बैलेंसेज फिजिकल बैलेंस एनोलॉग बैलेंस एंड डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस फिजिकल बैलेंस ऐसा होता है जो हम वेंटर पर देख सकते हैं या सब्जी मंडी में देख सकते हैं एनोलॉग बैलेंस ऐसा होता है और डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कुछ ऐसा होता है मेजरमेंट ऑफ टाइम इन द मॉर्निंग यू गेट अप ऑन टाइम यू गो टू द स्कूल एवरी डे एट द सेम टाइम हाउ डू वी कीप टाइम अब मेजरमेंट ऑफ टाइम क्या होता है आप रोज़ सुबह उठते हो आप समय पर खाना खाते हो समय पर उठते हो समय पर स्कूल जाते हो क्या आपको पता है कि टाइम कैसे मेजर होता है इन अर्लियर डेज पीपल यूज़ टू कीप अ ट्रैक ऑफ टाइम बाय द मूवमेंट ऑफ द सन द मून द मून एंड द अदर हेवनली बॉडीज देन सन वर इन्वेंटेड टू सी द टाइम इन अ डे देन द सेंड क्लॉक और आर ग्लास वॉज मेड टू कैलकुलेट टाइम लेटर पेंडुलम क्लॉक्स कार्ड्स क्लॉक्स एंड डिजिटल क्लॉक्स वर इन्वेंटेड पुराने ज़माने में लोग जब टाइम पता करते थे तो वो सन के मूवमेंट से पता कर सकते थे या मून के मूवमेंट से पता करते थे फिर धीरे धीरे सनडाइल्स इन्वेंट हुए टाइम देखने के लिए फिर धीरे धीरे सैंड क्लॉक आई फिर आर ग्लास आए फिर पेंडुलम क्लॉक्स आई क्वार्ट्स आए फिर डिजिटल क्लॉक्स आई ऐसे धीरे धीरे करके हम अपना इन्वेंट करते गए टाइम इज मेजर्ड इन द यूनिट कॉल्ड सेकेंड मिनट्स आवर्स डेज मंथ्स एंड ईयर्स आर द अदर यूनिट्स ऑफ यूनिट टाइम टाइम को हम टाइम की भी यूनिट होती है मेजर करने की हम टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं मिनट में करते हैं आवर्स में करते हैं डेज में करते हैं मंथ्स में करते हैं और ईयर्स में करते हैं Thank you.